जय श्री राम मित्रों। जब तुलसीदास जी वृंदावन गए, वृंदावन में श्री तुलसीदास जी और श्री राम जी का मिलन कैसे हुआ? मित्रों, आज हम आपको उस समय की बात बताते हैं जब गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय वृंदावन में ही ठहरे थे। वे भंडारों में विशेष रुचि नहीं रखते थे, लेकिन भगवान शंकर ने गोस्वामी जी को नावा जी के भंडारे में जाने की आंतरिक प्रेरणा दी। तुलसीदास जी ने भगवान शंकर की आज्ञा का पालन किया और नावा जी के भंडारे में जाने के लिए चल दिए। लेकिन थोड़ी देर हो गई, जब गोस्वामी जी वहां पहुंचे तो वहां संतों की बहुत भीड़ थी। उनको कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो जहां संतों के जूते चप्पल पड़े थे वो वहीं बैठ गए। अब सभी संत जन भंडारे का आनंद ले रहे थे और अपने अपने पात्र साथ लिए थे जिसमें प्रसाद डलवा रहे थे। आज भी वृंदावन की रसिक संत भंडारे में अपने अपने पात्र लेकर जाते हैं। तुलसीदास जी कोई पात्र यानी बर्तन नहीं लाए। अब भंडारा भी था तो खीर का था, क्योंकि हमारे बाकी बिहारी को खीर बहुत पसंद है। आज भी राजभोग में 12 महीने खीर का ही भोग लगता है। अब तो प्रसाद बट रहा था, वो गोस्वामी जी के पास आए और कहा, बाबा तेरो पात्र कहाँ है, तेरो बर्तन कहाँ है, बर्तन हो तो कुछ जवाब दें। उसने कहा कि बाबा जाओ कोई बर्तन लेकर आओ, मैं किसमें तो ही खीर दूं। इतना कहकर वह चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आया तो देखा बाबा जी वैसे ही बैठे हैं। फिर उसने कहा, बाबा मैंने तुमसे कहा था कि बर्तन ले आओ, मैं तो है किसमें खीर दूं। इतना सुनते ही तुलसीदास जी मुस्कुराने लगे और वहां पास में एक संत का जूता पड़ा था, वो जूता परोसने वाले के सामने कर दिया और कहा इसमें खीर डाल दो। तो वो परोसने वाला तो क्रोधित हो उठा, बोला बाबा पागल हो गए हो क्या, इसमें खीर लोगे, उल्टी सीधी सुनाने लगा। संतों में हलचल मच गई। श्री नावा जी वहां दौड़े आए तो गोस्वामी जी के आंखों में आंसू भर आए और कहा कि ये जूता संत का है और वो भी वृंदावन के रसिक संत का, और इस जूते में ब्रज रज पड़ी है और ब्रज रज जब खीर के साथ अंदर जाएगी तो मेरा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। जैसे ही सबने गोस्वामी जी की ये बात सुनी तो उनके चरणों पर गिर पड़े। सर्वबंध महान संत के ऐसे दैन्य को देखकर सब संत मंडली आवाक रह गई। सब ने उठकर प्रणाम किया। उस परोसने वाले ने तो शतवार क्षमा प्रार्थना की। ऐसे हैं तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास जी महाराज और श्री राम मिलन की कथा। धन्य है वृंदावन, धन्य है वह रज जहाँ पर हमारे प्यारे और प्यारी जू के चरण पड़े हैं। ये भूमि राधा रानी की भूमि है। यदि हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो समझ लेना कि ये राधा रानी की कृपा है जो हमें वृंदावन आने को न्योता मिला। अब तुलसीदास जी को वृंदावन में श्री राम जी के दर्शन कैसे हुए? तुलसीदास जी जब वृंदावन आए, तुलसीदास जी जानते थे राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। वृंदावन में सभी भक्त जन राधे राधे बोलते हैं। तुलसीदास जी सोच रहे हैं कोई तो राम राम कहेगा लेकिन कोई नहीं बोलता। जहां से देखो सिर्फ एक आवाज, राधे राधे, श्री राधे श्री राधे। क्या यहाँ राम जी से बैर है लोगों का? देखिए तब कितना सुंदर उनके मुख से निकला, वृंदावन ब्रज भूमि में कहां राम सो बैर, राधा राधा रटत है आंख ढाक अरु खैर। जब तुलसीदास जी ज्ञान गुदड़ी में विराजमान श्रीमद मोहन जी का दर्शन कर रहे थे, श्री नावा जी एवं अनेक वैष्णव इनके साथ में थे। इन्होंने जब श्रीमद मोहन जी को दंडवत प्रणाम किया तो परशुराम दास नाम के पुजारी ने व्यंग किया, अपने अपने इष्ट को नमन करें सब कोई, बिना इष्ट के परशुराम नवे सो मूरख होए। श्री गोस्वामी जी के मन में श्री राम श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं था,
परंतु पुजारी के कटाक्ष के कारण अपने हाथ जोड़कर श्री ठाकुर जी से कहा, हे ठाकुर जी, हे राम जी, मैं जानता हूँ कि आप ही राम हो, आप ही कृष्ण हो, लेकिन आज आपके भक्त के मन में भेद आ गया है। आपको राम बनने में कितनी देर लगेगी, आप राम बन जाइए ना। कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण लो हाथ। ये मन की बात बिहारी जी जान गए। और फिर देखिए क्या हुआ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भये रघुनाथ। देखिए कहां तो कृष्ण जी बांसुरी लेके खड़े होते हैं गोपियों और श्री राधा रानी के साथ, लेकिन आज भक्त की पुकार पर श्री कृष्ण जी साक्षात रघुनाथ बन गए हैं और हाथ में धनुष बाण ले लिए हैं। बोलिए श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, श्री कृष्ण महाराज की जय। मित्रों, ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा नया प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।